वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे रमणीय स्थल हैं, पर सागर जिले से 45 किलोमीटर दूर गढ़ाकोटा में स्थित रमना ट्री एडवेंचर पार्क की कुछ अलग बात है। यह मध्य प्रदेश का पहला ट्री एडवेंचर पार्क है। इस फिल्म के माध्यम से रमना इकोटूरिज्म पार्क को संचालित करने वाली समिति के गठन से लेकर कार्यान्वित होने तक की कहानी दर्शाई जाएगी। साथ ही रमना इकोटूरिज्म पार्क की अभिन्न खूबसूरती और अलौकिक कर देने वाली छटा को भी आप देख सकेंगे। ये ऐतिहासिक स्थल रहा है और बताते हैं कि यहाँ कोई राजा थे मर्दन सिंह जी। ये यहाँ पे एक पास में बहुत पुराना मतलब राजा मर्दन सिंह के समय का एक धौड़ल बोलते हैं उसको हम लोग, और ये मतलब किला बना हुआ है उनका, और उसको शिकारगाह बोलते थे पहले लोग। तो जो राजा मर्दन सिंह थे उनकी पूरी पलटन यहीं पर आके शिकारगाह के लिए मतलब शिकार के लिए यहीं रुकती थी। तो उन्हीं के द्वारा एक मतलब यहाँ पे किले का निर्माण किया गया। फिर उसके थोड़े से आगे चल के एक बावड़ी बनी हुई है जिसमें पानी भरा हुआ है अभी, और फिर अंग्रेजों के शासन में फिर एक रेस्ट हाउस का निर्माण भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐतिहासिक हैं और सब चीज़ें मतलब देखने लायक हैं कि जो भी लोग आते हैं तो उनको देखने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। इको टूरिज्म का मूल उद्देश्य एक ऐसे टूरिज्म को डेवलप करना होता है जिससे इकोसिस्टम यानी कि प्रकृति को नुकसान न पहुंचे और साथ ही उससे सुरक्षित करने के लिए पर्यटन द्वारा प्रेरित किया जा सके। एक ऐसा पर्यटन जो आपको प्रकृति के नजदीक लेके जा सके। इको टूरिज्म का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है उस जगह के स्थानीय रहवासियों को परस्पर जोड़कर इस संकल्पना का हिस्सा बनाना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सालों से जंगलों पर निर्भर होते हुए आए हैं। चूंकि यह पार्क गढ़ाकोटा में निर्मित हो रहा है, इससे स्थानीय लोगों को भी लाभ पहुंचे ऐसी वन मंडल की सोच है। काफी समय पूर्व से और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं दत्तपुरा बेलई के ग्रामवासी, ये अक्सर इसी के सहारे थे और यहाँ कटाई करते थे। तो ये हम लोगों के मन में विभाग के विचार आया कि क्यों ना इसको इको टूरिज्म पार्क के रूप में डेवलप करें ताकि इनको रोजगार से भी जोड़ा जा सके और ये जो है वनों की सुरक्षा भी कर सके, और ये कर भी रहे हैं। जब से ये पार्क बनाया गया है और इन लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया है तो वन सुरक्षा भी बराबर 100% हो रही है, कोई अवैध कटाई वगैरह नहीं हो रही। इन लोगों के लिए भी रोजगार के और आगे बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। एक भोपाल से आए थे कुछ बनाने वाले, उन्होंने काम लगाया तो फिर सूचित किया गया गांव को कि आप लोग यहां से जंगल ना काट के सही समिति का गठन बनाओ, इससे जो आमदनी होगी वो आप लोगों के लिए वितरित की जाएगी। यही सफल भी हो रहा है कार्य। हम लोग लकड़ी काटने आते थे तो रेंजर साहब हैं ना, यादव जी हैं, शुक्ला जी हैं, इन लोगों ने हमको पहली बार मीटिंग में माने 5-6 बार बुलाया। हम लोग मीटिंग में आए, उन लोगों ने समझाया हमको कि यहाँ पे पार्क बन रहा है, आप लोग समिति माने समिति बना लो, 20-25 जने जे जने भी हो जाओ, जितने जने भी हो जाओ। तो हम लोग मीटिंग में आते रहे, हम लोग गए, हमने घर पर मम्मी पापा से बोली कि हम वहाँ पे जुड़ जाएँ, तो हमें मम्मी पापा ने बोली हाँ जुड़ जाओ, करो काम वहाँ पे। तो हम मम्मी पापा ने बोल दी हम आ गए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। ट्री एडवेंचर पार्क सुनते से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। सागर वन मंडल की पहल से मध्य प्रदेश का पहला ट्री एडवेंचर पार्क बनाया गया। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। देखिए यहाँ पर 13 एक्टिविटी हैं, जैसे गोल वॉक है, जिग जैक है, और बर्मा ब्रिज है, जिप लाइन है, मंकी क्रॉल है, ट्विन रूफ है, लेडर वॉक है। यहाँ पे चाय नाश्ते की सुविधाएं हैं, बैठने की सुविधाएं हैं, एक्टिविटी जिसको करना है सो वो करें। तो सबसे अच्छी बात तो देखने लायक सबसे पहले यही है कि मतलब ये बना किस स्तर पे है, और पूरा का पूरा काम यहाँ पे पेड़ों के द्वारा किया गया है, बिना पेड़ों को काटे, बिना पेड़ों को नुकसान दिए, और उन्हीं पे मतलब 12 एक्टिविटी जो बनाई गई हैं सब उन्हीं बनाई गई हैं। तो उन पे मतलब एक्टिविटी करने के बाद बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही एडवेंचर फील होता है आदमियों के लिए। तो वो एक बार आते हैं तो वो बोल के जाते हैं कि हम दोबारा जरूर आएंगे यहाँ पे। स्थानीय रहवासियों के लिए इको टूरिज्म जैसा कंसेप्ट बिल्कुल नया था। ये बहुत ही रोचक है कि किस तरह यह लोग एक नई जीवन शैली से तालमेल बैठा रहे हैं। जब यहाँ पार्क का काम हुआ तो फिर मैंने सोचा इसी में जुड़ जाएं, तो इसी में जुड़ के इसको अच्छा महसूस करते हैं हम लोग यहाँ।
शांति मिलती है और अच्छा ये जंगल फेमस है राजा मर्दंग सिंह जी के द्वारा। पहले यहाँ मेला भी भरता था और यहाँ आके थोड़ा अच्छा लगता है और मन भी लगा रहता है और अच्छा रोजगार भी मिल रहा है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। पहले लकड़ी माने काटते थे बेचते थे, अब नहीं काटते, अब यहाँ की सुरक्षा करते हैं, अब अच्छा लगता है यहाँ पे। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि सबसे पहले तो इन वनों को बचाया जा सके और आज मतलब जो लोग आते हैं उनको ये जानकारी दी जा सके कि वनों से हमें कितने लाभ हैं और जो लाभ हम इनसे ले सकते हैं। जितने भी वृक्ष हैं उन हर एक में एक न एक औषधि छुपी हुई है, उस औषधि से हमें कितना लाभ हो सकता है। और वनों को बचाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है और सबसे अच्छा बात तो ये है कि वनों से हमारे लिए शुद्ध वायु मतलब वातावरण मिलता है और मतलब जल स्तर बढ़ता है वृक्षों को बचाने से और नए वृक्ष लगाने से, और एक अच्छा वातावरण मतलब जो तैयार होता है इन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। इको टूरिज्म वैसे तो एक नई संकल्पना नहीं है, बहुत सारे पर्यटन स्थलों पर यह काफी सक्रिय है जिसमें रमना भी जल्द ही जुड़ने वाला है। जिस तरह से पर्यटन प्रकृति और स्थानीय लोगों को परस्पर जोड़कर शिचित से एक नए सूरज का आगमन हुआ है, उस सूरज से समिति के सदस्यों की क्या आशाएं हैं, आइए देखते हैं। भविष्य में ये है कि ये इको टूरिज्म के अंतर्गत वोटिंग का भी हम लोगों का प्रावधान है। यहाँ पास ही में नदी है, करीब यहाँ से 500 मीटर दूरी पर, तो वहाँ वोटिंग का रख रहे हैं ताकि वहाँ भी कुछ लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ यहाँ पौधों की नर्सरी भी जो है पौधे तैयार करने के लिए रोपनी मनाई जा रही है। रहते हुए सब सुरक्षित रहें और अच्छा डेवलप हो, इसके लिए हरा भरा बने ये चाहते हैं और सबको रोजगार मिले। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा और हम समिति वाले इसको अच्छे से करेंगे तो आगे बढ़ेगा। भविष्य में तो हम लोगों की यही कोशिश है कि मतलब अब जो ये पुराने पेड़ हो गए हैं ये तो एक न एक दिन मतलब इनको में कट ही जाना है या फिर मतलब गिर जाएंगे सूख जाएंगे, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी नर्सरी चालू हो जाए तो हम लोग नए पौधे लगा दें, नए पेड़ लगा दें, जिसके द्वारा क्या है जो मतलब जंगल है वो जंगल सदा बना रहे। इनके चेहरे की मुस्कान यह बयां करती है कि किस तरह इको टूरिज्म जैसे नए कंसेप्ट को इन सभी ने अपनी जीवन शैली बना लिया है। इनकी मुस्कुराहट में ही सभी के योगदान की पूर्ण सफलता है। रमना ट्री एडवेंचर पार्क में आपको आना ही होगा और जब भी आप आएंगे तो आपको खुशी होगी कि यहाँ की छोटी सी फीस से आप प्रकृति को तो बचा ही रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोगों का भी भला कर रहे हैं। आप जब भी आएंगे रमना के ये जाबाज वर्कर्स आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरे बिना नहीं छोड़ेंगे।